जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो कांधे पर बैठ कर जिनसे देखा जहां, नाम जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ पढ़ाने वाले हैं जो आप सदियों से नहीं समझे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि मेरे नोट्स में टाइप 4 है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं टाइप 4 के ऐसे सवाल जो विद्यार्थी को समझ में, बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें समझ में आता है, क्योंकि इसको पढ़ाने का जो तरीका होता है लोगों के पास एकदम, क्या कहें आपको, आप समझ गए होंगे। और चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसा होता है इसको मैं दिखाता हूं। और हाँ एक बात और, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा ना, तब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अभी नहीं, अंत में सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले सुनिए क्या कहता है। अब बड़ा सिंपल तरीका इसको बनाने का है। सवाल कहता है, किसी धन पर 12 बरस में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 बरस के दुगुना कर दिया जाए, 6 बरस के बाद दुगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सुनिएगा, यहाँ 6 बरस के बाद, यहाँ बाद छूट गया है, नहीं लिखाया है, 6 बरस के बाद धन को दुगुना कर दिया जाए तब कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है इस सवाल को सुनकर। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले कहता है, पहले मैं बता देता हूं एक बार बना के कितना कम समय में आप बना पाओगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना पाओगे। किसी धन पर 12 बरस में 920 रुपया साधारण ब्याज हुआ, 12 बरस में कितना आया 920। कहता है कि 6 साल बाद धन दुगुना कर देंगे, तो 6 साल प्लस 6 साल, 6 दुना 12, यानी हमें 18 साल का निकालना है। 12 साल का 920, तो 920 बट्टा 12, 18 साल का कितना, 18 से गुना, 6 दुना 12, 36 18, 46 दुना 92, यानी कि 0 36 18 43 12 एक 1380 रुपया आंसर हो गया। 1380 कैसे हुआ, आइए समझते हैं। अब बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से इसको देखिए। दोस्तों साधारण ब्याज में क्या है, अगर मान लो आपने 1000 रुपये कर्ज में लगा रखे हैं, ठीक है, 1000 रुपये कर्ज में आप लगा रखे हैं और आपको एक साल में कुछ ब्याज आता है, मान के चलिए आपको एक साल में ब्याज मान लो 200 रुपये आता है, और आप अगर चाहते हैं 400 रुपया ब्याज कमाना, तो या तो आप ऐसा करिए, इस धन को डबल कर लीजिए, 1000 के बदले आप 2000 लगा दीजिए, आपको दुगना ब्याज आने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल आने लगेगा। इतना बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर धन को हम डबल कर देंगे तो ब्याज भी हमको डबल आएगा। लेकिन आपके पास धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है डबल करने के लिए, तब क्या करना चाहिए, तो आप समय डबल कर दीजिए। आप एक साल के लिए 1000 रुपया लगाए थे ना, आप चाहते हैं पहले से ज्यादा ब्याज कमाना, दुगना ब्याज कमाना, तो एक काम करो, आप एक साल के लिए लगाए थे, अब आप इसको 2 वर्ष के लिए लगा दीजिए। बताइए, एक साल में 200 ब्याज देगा, फिर अगले साल 200 ब्याज देगा, तो हो जाएगा ना 400। यानी हम ये कह सकते हैं, या तो आप धन को दुगना कर लो या समय को दुगना कर लो, अगर ज्यादा ब्याज कमाना है ब्याज उतना ही आएगा। अगर 1000 रुपया लगाते हो तो 2 साल के लिए लगा दो, या 1000 रुपया अगर आप चाहते हो समय कम 21 साल के लिए, तो धन दुगना कर दो, 2000 लगा दो। बात समझ गए हैं कि कहना हम क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि या तो आप धन दुगना कर लो तो भी कमाई हो जाएगा ज्यादा, या आप समय को दुगना कर दो तो भी कमाई हो जाएगा ज्यादा। अब ये सवाल उसी तरह का सवाल है। सवाल कहता है, किसी धन पर 12 बरस में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है,
यदि उस धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाए, दोस्तों आपको पता है कि वो धन कितना है? धन पते नहीं है। 12 वर्ष में 920 आया है। कहता है किसी धन पर 12 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वो धन आपको पता है? नहीं पता है। तो अब कहता है फिर उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना किया जाता तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता? सुनिए, धन नहीं पता है तो धन कैसे दुगना करे? समय को दुगना कर देंगे, बात हो जाएगा वही। सुनिए, अब खेल जो है ये 12 वर्ष का खेल है। खेल कितने दिन का है? ये 12 साल का खेल हो रहा है दोस्तों। कहता है कि 12 साल में, अरे 12 साल में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अगर 6 वर्ष के बाद धन दुगुना किया जाता, धन न दुगुना करेंगे हम, समय को ही दुगुना कर देंगे 6 साल के बाद। देखिए, ये 12 साल में 6 साल पहले रहने देगा। कहता है 6 साल बाद धन दुगुना करे ले, 6 साल बाद ना धन दुगुना करना है। तब 12 साल में 6 साल बीत जाएगा, तब बचेगा 6 साल और। अब इस 6 साल में धन दुगुना करिए, चाहे इसी समय को दुगुना कर दीजिए। अब 6 साल का निकालिए तो धन दुगुना करना होगा, अगर धन दुगुना नहीं करते हैं तो समय को दुगुना कर दीजिए, 6 दुना 12 साल और 6 साल यानी 18 साल का ब्याज निकाल दीजिएगा ना दोस्तों, तो वही आपको सही सही ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब बात समझ में आया है कि नहीं? 6 साल बाद धन दुगुना करिएगा तो ब्याज ज़्यादा आएगा ना, यानी वो जो ब्याज आएगा 18 साल के ब्याज के बराबर आएगा। तो ध्यान दें, 12 साल का है 920, लेकिन 6 साल बाद धन दुगुना करेंगे तो वो 18 साल के ब्याज के बराबर होने वाला है, यानी हमको 18 साल का निकालना है। तो 12 साल का 920, तो 1 साल का कितना? 920 बटा 12। 18 साल का निकालना है तो 18 से गुना हो गया, यानी 18 ईयर का ब्याज हम निकाल देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। 36 18, 6 दुना 12, 2 से काटा 46 दुना 92। अब बताइए, 0 36 18, 4 3 12, 1 13, 1380 रुपया आएगा। बात समझे? सुनिएगा, अरे भैया 12 साल में 920 आता है, अभी भी 12 साल में आएगा 1380, लेकिन धन दुगना करना पड़ेगा 6 साल बाद। तो हमने क्या किया? धन तो पता नहीं था, धन दुगना नहीं किया, 6 साल के बाद समय को दुगना कर लिया। बात वही है, बात है समझ में? तो पहले 920 आता था, अब 1380 आएगा, समय उतना ही रहेगा, लेकिन हमको निकालना पड़ा 18 साल का सही आंसर ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 6 साल बाद धन दुगना कर देंगे तब पहले से ज़्यादा ना ब्याज आना चाहिए। आ गया ना? आइए अगला सवाल देखते हैं और पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, किसी धन पर 4 वर्ष में 620 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 4 वर्ष में 620 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि अगर 3 वर्ष के बाद धन आधा कर दिया जाए तब साधारण ब्याज कितना मिलेगा? धन आधा कर दीजिएगा तब ब्याज कम में मिलेगा पहले से, बताइए। अरे धन बढ़ाइएगा तब ना ब्याज ज्यादा मिलेगा, और धन आधा कर दीजिएगा तब ब्याज कम मिलेगा। बात करते हैं, सुनिए, यहां कहता है किसी धन पर 4 वर्ष में 620 रुपया, 4 वर्ष में आया है 620 रुपया। दोस्तों ये जो खेल है, ये जो खेल है 4 वर्ष का है। कहता है अब, कहता है अगर 3 वर्ष बाद धन आधा कर देंगे, 3 वर्ष तक नहीं, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष तक ठीक ठीक रहेगा, 3 वर्ष ठीक रहेगा, और प्लस 4 वर्ष में 3 साल हो गया, बचा 1 साल। अब कहता है 1 साल के लिए धन आधा कर देंगे, यानी धन को अगर 20,000 लगाए ले थे तो 10,000 हटा देंगे, 10,000 रहने देंगे। यानी दोस्तों एक बार 3 वर्ष के बाद जो समय बचता है उसमें धन आधा करेगा। धन न आधा करके इस समय को आधा कर दो तो 1 में 1/2 से गुना तो 1/2 ही होगा, यानी 3 आधा 3.5, 3.5 को 7/2 ईयर बोल सकते हैं। यानी दोस्तों हमें 3.5 साल का जो ब्याज होगा उतना ही ब्याज आने वाला है धन आधा करने के वजह से। तो 4 साल का 620, तो 1 साल का कितना? 620/4, क्योंकि 4 साल का है, 4 से भाग दिए, 1 साल का निकल गया, और 7/2 वर्ष का निकालना है तो 7/2 से गुना। चलिए 4 से इसको काटते हैं, 15 चौके 60, 5 चौके 20, ठीक है, ऊपर 7 से गुना करिए, 5 7 35 के 5, 15 7 105, 3 108, अब बट्टा कितना? 2। अब बताइए 1000 के आधा 500, अब 85 के आधा 42.5, यानी
हो जाएगा हमारा 542 रुपया 50 पैसा। पहले 620 आता था, लेकिन अब उतना ही समय में 542 रुपया 50 पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद धन आधा जो कर दिए थे, इसलिए धन आधा करिएगा तो ब्याज कम ना आएगा, बिल्कुल कम आएगा। आया बात समझ में? आइए दोस्तों, अब अगला सवाल, अब इसी सवाल का अपोजिट दे देगा आपको, इस क्वेश्चन का एकदम अपोजिट कैसे दे देगा सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, किसी धन पर 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। किसी धन पर 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि 3 वर्ष के बाद धन दुगनी कर दी जाती है। अब कहता है, यदि दुगनी नहीं की जाती तब साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता? लीजिए, अब दुगना न होता तो सुनिए, पहले कहता है 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि 3 वर्ष के बाद धन दुगनी कर दी जाती है। नहीं समझे? समझिए, 6 साल में 920 जो आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, इसमें टेक्निक फिट है। इसमें क्या किया गया है कि 3 साल के बाद धन को दुगना कर दिया गया है। तो भैया समझना ऐसे है कि 6 साल में 920 नहीं आया है, इसमें टेक्निक फिट ये है कि 3 साल बाद धन दुगना किया गया था। तो दोस्तों ये क्या हुआ होगा कि पहले तो 3 साल और तब जो बचेगा समय उसको दुगना करते हैं, तो 6 साल में 3 साल हो गया, बचा 3 साल, इसको दुगना करिए। तब बताइए 3 दुना 6 और प्लस 3 यानी 9 साल में, 9 ईयर में प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, अगर सीधा सीधा ब्याज चलता तो। बात है समझ में? यानी कि 920 जो आया है 6 साल का नहीं है, 9 साल का है। अरे 9 साल का ब्याज है 920 रुपया। कहता है धन दुगना नहीं किया जाता तो धन दुगना नहीं करते तो यानी सीधा सीधा 6 साल का निकालना होता, यानी 9 साल का 920, तो 1 साल का कितना 920/9, और धन दुगना नहीं करते यानी सीधा सीधा 6 साल का निकालना होता, हम 6 से गुना करते दोस्तों, बस हो गया 3 3 9 और 3 2 6, ऊपर हो गया 9 2 18 20 2 40/3, 633.33 रुपया हो गया। बात है समझ में? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है फिर से एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि 6 साल में धन 920 रुपया हो जाता है, बोला तो है कि 6 साल में 920 हो जाता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद धन दुगना कर दिया जाता है। तब बताइए सीधा सीधा तो ना हुआ है 6 साल में, 3 वर्ष बाद धन दुगना किया गया था, तो 6 साल का खेल था, लेकिन 3 साल बाद धन दुगना किया गया, तो 3 साल लिख लिए और जो समय बचा उसको दुगना किए, उसको दुगना किए, तो 3 2 6 और 3 9, यानी 9 ईयर में, 9 ईयर में ही ब्याज आ सकता है 920 रुपया। आ सकता है क्या? आया है। तो 9 साल में ब्याज आया 920, अगर धन दुगना नहीं करते तो 6 साल का ना निकालना पड़ता, तो 9 साल का 920, तो 1 साल का कितना, तो 920/9 1 साल का हुआ, 6 साल का निकालना है, सीधा सीधा निकालना है, तो 6 साल से गुना, 3 3 9 3 2 6 अब बट्टा 3 हो गया, ऊपर गुना कर लीजिए 1840 बट्टा हुआ हमारा 3, यानी 633 रुपया 3 3 पैसा। दोस्तों आपको पता है पहले 920 आया था, क्यों आया था? क्योंकि 3 साल बाद धन दुगना किया गया था, अगर दुगना नहीं करता तो कम में ना आता, यानी 633 रुपया कुछ पैसा आ जाता। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है, ये टाइप 4 हमने खत्म कर दिया। इतने दिन मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, लेकिन ये टाइप छूट जा रहा था, मैंने सोचा आज मेरे दिमाग में आया कि इसको खत्म कर देते हैं, तो मैंने खत्म कर दिया है। अच्छा, 3200 प्रीवियस क्वेश्चन चलते रहेगा, आज शाम में फिर वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो और लगातार वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो अब अपलोड होगा, क्योंकि अब तिवारी सर भी आ गए हैं और हम भी आ गए और सरस्वती मैम भी वीडियो को अपलोड कर रही हैं। चलिए, अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया है,
अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर करना, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।